चंबल के बिहार के खुफिया डकैत गुड्डा गुर्जर के पकड़े जाने के बाद अब ग्वालियर सेंट्रल जेल के त्रिवेणी सेल में बंद है। यहां दो दरवाजे के भीतर चार जेल प्रहारी की विशेष निगरानी में डकैत को रखा गया है। डकैत के स्टेटमेंट से एक और खुलासा हुआ है। डकैत चाहे जितना खूंखार हो लेकिन वसूली का पूरा पैसा वह अपनी माँ को सौंपता था। उसका मानना था कि उसकी माँ उसके लिए भाग्यशाली है, वह माँ को वसूली की रकम रखने के लिए देता था, इससे उसके काम में बढ़ोतरी होती थी। माँ से ही पूछकर वह प्रॉपर्टी में यह रकम निवेश करता था। पुलिस को उसके मुरैना में माँ और बहन के नाम पर 30 बीघा जमीन खरीदने का पता लगा है। पुलिस इस जमीन के संबंध में पता लगा रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के एएसपी राजेश दरौतिया के नेतृत्व में अभियान चलाकर बुधवार को रात को घाटी गांव के भ्रमर पूरा डाडा खिड़क के बीच बसोटा के जंगल में चंबल के खुफियार डकैत 60,000 रुपये इनामी गुड्डा गुर्जर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। दोनों ओर से 2.25 घंटे चली गोलियां के बीच भागते समय डकैत के पैर में गोली लगी और वह लंगड़ाते हुए भी फायर करता रहा, पर कुछ दूर भागने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 315 बोर की राइफल व कारतूस भी मिले हैं। दोनों ओर से पुलिस ने करीब 100 सैकड़ा गोलियां चलने का दावा किया, पर अगले दिन जब गोलियां का मिलान किया गया तो स्थिति साफ हुई है। पुलिस की ओर से 7 पुलिस अफसर व जवानों करीब सटीक 37 गोलियां चलाई। डकैतों की तरफ से 20 से 22 गोलियां चलाने की बात सामने आ रही है। अब डकैत ग्वालियर के सेंट्रल जेल में बंद है। जब डकैत गुड्डा पुलिस के पास था तो पूछताछ से उसने बयान दिया था। करीब 4 पन्नों के बयान में उसने यह भी कबूल किया था कि वह खदान माफियों चरवाहों पंचायत चुनाव की वसूली के बाद पूरा पैसा बिना गिने अपनी माँ को सौंप देता था। वह माँ की काफी करीब था और माँ को अपने लिए काफी भाग्यशाली मानता था। यही कारण है कि उसने माँ के नाम से ही वसूली के पैसों के लाखों की जमीन खरीदी थी। पुलिस इस जमीन के संबंध में पता लगा रही है। गुड्डा की जेल में पहुंचते ही उसे विशेष निगरानी में ले लिया गया है। डकैत के सीधे त्रिवेणी सेल में रखा गया है। यहाँ खुफिया डकैतों को रखा जाता है, साथ ही बड़े बदमाश इस सेल में के अंदर रहते हैं। गुड्डा के त्रिवेणी सेल में उस जगह रखा गया है जहां 2 दरवाजे खोलने के बाद ही गुड्डा तक पहुंचा जा सकता है। सेंट्रल जेल की त्रिवेणी सेल में पहुंचने के बाद ही गुड्डा की आंखों से नींद उड़ी हुई है। वह सो नहीं रहा है। जेल में भी रात भर वह करवटें बदलता रहता है। अभी तक उसे खुले में सोने की आदत थी, लेकिन जेल के 4 दीवारी के धीरे धीरे वह एडजस्ट कर रहा है। पुलिस ने डकैत गुड्डा के पकड़े जाने के बाद फरार हुए उसके साथी करुआ अशोक यादव की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस भवन पूरा से लेकर तिघरा तक जंगल छान रही है। इसके अलावा मुरैना पुलिस भी दोनों की तलाशी में सर्चिंग में लगी है। गुड्डा मुरैना पुलिस के हाथ में फिसल गया है तो मुरैना पुलिस उसके दोनों साथियों को पकड़कर वापस नाम कमाना चाहती है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए के रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।